रीवा के फरेदा की पानी टंकी बनी नुमाइश सप्लाई चालू करवाने के लिए गाँव वासियों ने टंकी को दी श्रद्धांजलि और प्रशासन को चेताया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरा फरेदा में पानी की टंकी बनाई गई है, जिसमें पिछले 6 महीने से पानी की सप्लाई बंद है, जिसे चालू करवाने के लिए ग्राम वासियों के द्वारा पानी की टंकी को श्रद्धांजलि देकर प्रशासन को चेताया गया कि अगर 10 दिन के भीतर पानी सप्लाई नहीं चालू की जाती है तो ग्राम वासियों के द्वारा बृहद आंदोलन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। तो निश्चित रूप से ऐसे प्रदेश के मुखिया को और ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत उनकी जनता प्यासी मर रही है। विधायक का मुख्य, सबसे ज्यादा जो उसका मुख्य एक काम होता है कि विधानसभा की जनता के जो जनता है उसको कोई समस्या ना हो, उसको टाइम से बिजली मिले, पानी मिले। पर आप समस्या यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से हमारे ग्रामवासी पानी के लिए तरस रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई, पर इसकी 181 में कई बार शिकायत की गई, हमने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को कहा, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से इस प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम इस टंकी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि टंकी 6 महीने से बंद है, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, और इस टंकी में अगर पानी 1 हफ्ते का टाइम भी देते हैं शासन को, नहीं चालू होता है, तो हम यहीं बगल में टेंट लगा के धरना देने का काम भी करेंगे। उसके बाद भी अगर 10 मिनट में पानी नहीं चालू होता, उसके बाद भी 10 दिन का टाइम देंगे हम प्रशासन को, अगर तब भी नहीं चालू होता है तो हम बता दें, अगर हम महात्मा गांधी को मानते हैं, अगर हम भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, तो हम भगत सिंह को भी मानते हैं, हम इस रोड को जाम करने का भी काम करेंगे, हम करने का भी काम करेंगे। इसलिए मैं चेताना चाहता हूँ कि प्रशासन को, पीएचई विभाग के बड़े अधिकारियों को, कलेक्टर महोदय को और यहाँ के विधायक को, इस जनता ने अगर आपको विधायक बनाया है तो आपको जमीन में गाड़ना भी जानती है। इसलिए चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निराकरण हो।